हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इनटू द वाइल्ड 1.6 चैप्टर 12th इंग्लिश का, और उसका हमने फर्स्ट पैसेज का वीडियो कंप्लीट किया है। नाउ कम टू द सेकंड पैसेज, पेज नंबर 57। मीन वाइल से स्टार्ट हो रहा है ये पैसेज। देखिए, ये चैप्टर है हमारा इनटू द वाइल्ड, और मीन वाइल से जो है सेकंड पैसेज हमारा स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइटर जो है मिस्टर किरण पुरंदरे उंबरदरा के जंगलों में भटक गए हैं, है ना। ही लॉस्ट हिज वे, और अब उनकी मुलाकात राजू नाम के एक आदमी से होती है, तो उनको थोड़ी हिम्मत आ जाती है, और बाद में राजू और वो दो अलग अलग रास्तों से निकल जाते हैं। उसके बाद जो है फिर वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है कि किस तरह से वो डबल से लॉस्ट हो जाते हैं। ओके, मीनवाइल आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस। उसी दौरान मैंने देखा एक आदमी एक फासले पर खड़ा है विथ ए स्टिक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक स्टिक है, लकड़ी। एज आई अप्रोच्ड, जब मैं उसके पास पहुँचा, ही अपियर्ड स्पूक्ड। वो स्पूक था। स्पूक का मतलब होता है फ्राइटन, यानी डरा हुआ। ड्यू टू द अलार्म कॉल्स ऑफ द लेपर्ड, यानी चीते के लिए जो जानवर चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से, उसकी आवाज़, जानवरों की आवाज़ों को सुनकर वो आदमी जो था स्पूक्ड था, यानी फ्राइटन था, घबराया हुआ था, डरा हुआ था। वी ग्रीटेड ईच अदर, हम दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे को सलाम किया। ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिटेजरी। नमस्कार वगैरह करने के बाद मैंने उसका नाम पूछा, तो उसने बताया कि वो राजू इस्कापे उसका नाम है, और वो पिटेजरी विलेज में रहता है जहाँ पे राइटर रुका हुआ था। ही हैड कम टू कलेक्ट लॉग्स, वो कहता है कि मैं लकड़ियाँ जमा करने यहाँ पर आया था, बट रिट्रीटेड, लेकिन अब वापस जा रहा हूँ, ड्यू टू द लेपर्ड्स मूवमेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पर चीते की घूमने की निशानात दिखे हैं, लिहाजा मैं वापस जा रहा हूँ। राजू वॉज अमेज्ड, राजू को बड़ा अमेज्ड, ताज्जुब हुआ, एट माई रेगुलर सॉलिटरी विजिट। रेगुलर यानी रोज़ाना, सॉलिटरी यानी अकेला, विजिट टू उंबरदरा, कि मैं तनहा उंबरदरा के इस जंगलों में आता रहता हूँ। ये सुनकर राजू को बहुत अमेज्ड हुआ, मीन्स वो बहुत हैरत में पड़ गया। द हैवन फॉर टाइगर्स, हाँ, हैवन कहते हैं जाए अमन, ए प्लेस ऑफ सेफ्टी फॉर रिफ्यूज, हाँ, ये बहुत ही सेफ जगह है टाइगर्स के लिए, लेपर्ड्स के लिए, एंड स्लॉथ बियर्स, हाँ, काले रंग का एक रीच होता है, उनके लिए बहुत ही सेफ जगह है। ये तीनों यहाँ पर आते हैं। वी स्टॉप्ड अंडर ए कुसुम ट्री, हम दोनों भी जो है एक कुसुम नाम के दरख्त के नीचे रुके, टू टेक ए ब्रेक, वहाँ पर हमने थोड़ा सा आराम किया। वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलैक्स्ड, और हम दोनों को बहुत ही रिलैक्स, अच्छा लगा, सुकून लगा, दोनों भी घबरा गए थे। नाउ वी वेयर फोर आइज, अब हमारे पास चार आँखें थी, यानी हम ज़्यादा इधर उधर देख सकते थे कि कौन सा जानवर हम पर हमला करने वाला है या आ रहा है। फोर हैंड्स, हमारे पास चार हाथ थे, विथ ए स्टिक, और हमारे पास लकड़ी थी, तो हिम्मत बढ़ गई, मीन्स दे फील रिलैक्स्ड। देन वी बोथ रिज्यूम्ड आवर वॉकिंग टूर, बाद में जो है हमने दोबारा जो है अपना चलना शुरू किया, और रिज्यूम मीन्स रीस्टार्ट, हम दोबारा स्टार्ट किया और वापस जाने लगे। देन देयर वॉज वन टाइनी ट्रैक, एक छोटी सी टाइनी छोटी ट्रैक, पगडंडी थी, डेट ब्रोक आउट ऑफ द मेन ट्रेल, जो एक मेन रास्ते से फूटी थी एक पगडंडी। आई विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट, राजू ने कहा, आई विल टेक दिस रूट, मैं ये रास्ते से जाता हूँ, यू गो स्ट्रेट, आप सीधा जाइए, ऐसा राइटर से कहा। सेड, इतना कहकर राजू हैड टर्न राइट, राजू राइट में टर्न हो गया। आई केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट, मैं सीधा चलता रहा, अंटिल, यहाँ तक के आई क्लाइंब अ फैमिलियर हिलॉक, वहाँ पहुँच गया मैं, जहाँ पे एक हिलॉक, एक छोटी पहाड़ी थी जो मेरे लिए बहुत ही फैमिलियर थी, जिसको मैं हमेशा से पहचानता था, जानता था, वहाँ पे मैं पहुँच गया। आई क्रॉस द सीमेंट पिलर, मैंने उस सीमेंट के खंभे को भी क्रॉस किया, और उन पत्थरों को, स्टोन्स को भी क्रॉस किया, जो स्टैक्ड मींस आई क्रॉस द सीमेंट पिलर एंड स्टोन्स स्टैक्ड बाय फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, FDC इज द शॉर्ट फॉर्म, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
स्टैक कहते हैं डेकोरेट करना। मैंने फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लगाए हुए सीमेंट के पिलर्स खंभों को और उनके लगाए हुए स्टोन्स यानी पत्थरों को जो स्टैक सजा दिए गए थे उनको क्रॉस किया टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट। और वो पत्थर इसलिए लगाए गए थे कि फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको मार्क करते थे कि इहाता। टुक अनदर ट्रेल, फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया। आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन, नीचे जाकर मैंने दूसरा रास्ता सिलेक्ट किया। वॉकिंग अक्रॉस अ ब्यूटिफुल महुआ ट्री, मैं गया तो वहाँ पे देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत महुआ नाम का दरख्त है, लोडेड भरा हुआ है विथ रेडिश ब्राउन लीव्स, और उसके पत्ते जो है रेडिश ब्राउन कलर के हैं। द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन वेरी वेल, द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन वेरी वेल, दरख्त के नीचे का जो वो था मीन्स ग्राउंड था वो बहुत ही क्लीन और साफ था। द थॉट इंस्टेंटली फ्लैश्ड इन माई माइंड, मेरे जहन में फौरन एक ख्याल आया कि अरे ये तो नया रास्ता है, नया मंजर है। आई हैड लॉस्ट माई वे, मैं पूरी तरह गुम चुका हूँ, मैं भटक चुका हूँ। नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे आई फाउंड, नेक्स्ट मोमेंट आई फाउंड अनदर डस्की ट्रेल, और अगले ही लम्हे मैंने देखा कि एक दूसरा रास्ता जो है वो डस्की ट्रेल, धूल से भरा हुआ एक रास्ता था। हास्टिली फौरन इमीडिएटली आई टुक दैट ट्रेल, मैंने वो रास्ता चलना शुरू किया। विच टुक मी, जिस रास्ते ने मुझे कहाँ ले गया, फ्रॉम ए नैरो गॉर्ज, एक छोटी सी घाटी, टू एन ओपन फील्ड, उसके बाद मैं चटियल मैदान में आ गया। द एरिया वॉज सराउंडेड बाई हिलॉक्स, पूरा जो इलाका था वो पहाड़ छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ऑफ ड्राई डिसीडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और वहाँ पर मंतक़ा हर्रा से मुतालिक जो है ट्रीज थे जो ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिसको डिसीडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, जो मौसम ख़िज़ा में अपने पत्ते गिरा दें। आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन, मैं वापस आया ताकि मैं देख सकूं कि सूरज कौन सी सिमत में है और पता कर सकूं कि मैं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। लेकिन क्या देखता हूं, द डस्की ट्रेल हैड वैनिश्ड, जो वापस आया तो जिस धूल भरे रास्ते से मैं आया था वो वैनिश हो गया, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। मैंने सोचा गॉड हेवंस, हे खुदा, आई वॉज लॉस्ट, मैं तो पूरी तरह भटक चुका हूँ, कम्प्लीटली लॉस्ट इन द जंगल, मैं तो पूरी तरह जंगल में खो चुका हूँ। ये जुमले बता रहे हैं कि राइटर खो चुका है। डैट टू एट ए वेरी ड्रेडफुल टाइम, और वो भी ऐसे ऐसे वक्त में जो बहुत ख़तरनाक टाइम है, रात का वक्त, शाम हो रही है, रात हो रही है। द सन वॉज मेल्टिंग डाउन, सूरज गुरूब हो रहा है, और कितने फटाफट गुरूब हो रहा है, जैसे लाइक ए फ्लीटिंग रनर, जैसे कोई भागने वाला बहुत तेज़ी से भागता है। तो यहाँ पर सूरज को एक तेज़ी से भागने वाले से कंपैरिजन किया गया है, लिहाजा लाइक बराबर सिमिली। सोक, भीग गया, इन माई ओन, खुद के स्वेट, स्वेट यानी पसीना, खुद के ही पसीने में मैं भीग गया। आई फेल्ट लाइक शाउटिंग, मुझे लग रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं टू माय हार्ट्स कंटेंट। टू माय हार्ट्स कंटेंट एक फ्रेज है, देखिए, टू द फुलेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। राइटर को खुशी भी हो रही थी और परेशानी भी हो रही थी, है ना। यहाँ पे टू माय हार्ट्स कंटेंट यानी मैं उसको, एक्चुअली जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं इनको खो जाने की भी खुशी होती है, है ना, लेकिन यहाँ पे उसको गम भी था, खुशी भी थी। बट देयर वॉज नो अनदर, और गम क्या था, बट देयर वॉज नो अदर सोल, कि कोई आदमी नहीं है टू लिसन टू माई साउंड इन दिस विल्डरनेस, कि उस जंगली जंगल में कोई मेरी आवाज़ सुने, ऐसा कोई है नहीं है, कोई मेरी हेल्प को नहीं है। आई हैड टू बैग्स विथ मी, मेरे पास दो बैग थे, एक शबनम, द शबनम बैग हैविंग द कैमरा, एक शबनम बैग कहते हैं वो ऐसे लटकाने का बैग आता है जिसमें कैमरा था, एंड अदर वॉज ए स्मॉल कलरफुल हैंडमेड बैग, और एक छोटा सा रंगीला जो है एक हैंडमेड बैग था, यूज्ड इन विलेजेस, जो देहातों में यूज़ होता है टू कैरी टिफिन, जिसमें टिफिन रखते हैं खाने का। द टिफिन स्टिल हैड सम स्टफ, टिफिन में बहुत कुछ खाने का था, बट आई डिड नॉट फील लाइक हैविंग इट, लेकिन मेरा खाने का मूड नहीं था। द ब्लॉजमिंग बहुत
अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बॉक्स वुड ट्रीज, यानी बॉक्स वुड ट्रीज यानी नक्शी काम के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी होती है कार्विंग के लिए, उसको बॉक्स वुड ट्रीज कहते हैं। वो बहुत ब्लॉसम, बहुत अच्छे फूल उस पर खिले हुए थे। और ओनोमेटोपिया है, भूप भूप साउंड आ रहा था, काय का काउकल बर्ड का। काउकल बर्ड जो होती है वो ज़मीन पर घोंसला बनाने वाली एक परिंदा होती है, जो कोयल की फैमिली से आती है, ककू की फैमिली से आती है। और उसके बाद उसने क्या सुना सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड। एक रॉबिन बर्ड आता है जिसका चेस्ट रेड होता है, वो होता है, एंड ऑल अपीयर्ड अलाइन टू मी, और सारे के सारे जानवर मेरे लिए क्या थे, अलाइन। अलाइन मीन्स स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे। तो बच्चों इस पैसेज में हमने देखा कि किस तरह राइटर अकेला निकला, फिर उसको राजू इस्कापे नाम का एक आदमी मिला, फिर दोनों रिलैक्स हुए, फिर दोनों एक जगह उन्होंने ब्रेक लिया, फिर दोनों एक दूसरे से अलग अलग रास्ते पे निकल गए, फिर राइटर जो है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो गया और खो गया। तो किस तरह से उसने अपने आप को कहा कि मैं खो चुका हूँ। उसने चिल्लाना चाहा लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था, उसके पास टिफ़िन भी था, उसको बस उसके खाने का मूड नहीं था। लास्ट में वो बॉक्स वुड ट्रीज के पास आया, कोकल की आवाज़ उसने सुनी, रॉबिन बर्ड की आवाज़ सुनी, जो सारे परिंदे उसके लिए क्या थे, अलाइन थे, मीन्स अजनबी थे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम आपको इसकी एक्टिविटी सॉल्व करवा देते हैं, पैसेज नंबर 2 की। ओके, तो पैसेज नंबर 2 में नवनीत के डाइजेस्ट में हमारा है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग। राजू हैड कम टू द जंगल टू कलेक्ट, तो आगे आपको लिखना पड़ेगा राजू किस लिए आया था, टू कलेक्ट लॉग्स, है ना, लकड़ियां जमा करने के लिए। नेक्स्ट है द FDC फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मार्क द फॉरेस्ट बाउंड्री, उन्होंने फॉरेस्ट की बाउंड्री को कैसे मार्क किया था, विद द हेल्प सीमेंट पिलर एंड स्टैक स्टोन्स, है ना, हाँ, सजावट के पत्थर और सीमेंट पिलर्स। नेक्स्ट, वन ऑफ द टू बैग्स द नैरेटर हैड, दो में से एक बैग जो नैरेटर की थी, वन कंटेंट, एक में क्या था, कैमरा, एंड द अदर कंटेंट क्या था दूसरी में, अ टिफिन। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन है, उम्बर जरा वॉज ए रिफ्यूज, उम्बर जरा एक बहुत अच्छी जाए पनाह, एक अच्छा बेस्ट प्लेस थी, किसके लिए, फॉर टाइगर्स लेपर्ड्स एंड स्लॉथ बियर्स। ओके, फिर आ जाइए आप कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन पे, राइट टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टेलिंग अस डेट राइटर्स वॉज लॉस्ट, पेज नंबर 75 पर आप देखिए कि दो जुमले ऐसे बताइए जिसमें राइटर पूरी तरह लॉस्ट हो चुका है, गुम चुका है, है ना, हमने बताया था, द थॉट इंस्टेंटली फ्लैश्ड इन माय माइंड, एक फौरन मेरे जहन में ख्याल आया, आई हैड लॉस्ट माय वे, मैंने अपना रास्ता खो दिया है, ये पहला सेंटेंस है। सेकंड है गॉड हेवन गुड हेवंस आई वाज लॉस्ट, अरे खुदा मैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो गुम चुका हूँ, है ना, कंप्लीटली लॉस्ट इन द जंगल, उसको मज़ा आ रहा था, ये दो सेंटेंस बताते हैं कि राइटर लॉस्ट हो चुका था। A3 में इन्फेरेंस में क्या है, गिव रीजंस, काय का रीजन बताइए, आफ्टर मीटिंग राजू द राइटर एंड राजू बोथ फील रिलैक्स, राजू से मुलाकात के बाद राइटर और राजू दोनों भी रिलैक्स हो गए, इसका रीजन क्या था, बिकॉज नाउ देयर वेयर टू पीपल, हम वो दो लोग हो गए, फोर आईज फोर हैंड्स, है ना, दे हैड ए स्टिक टू फाइंड देयर वे आउट ऑफ द जंगल, है ना, यस, एंड दे कैन फेस द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो। ओके, सेकेंड रीजन बताइए, द टाइम वॉज ड्रेडफुल, वक्त बड़ा खतरनाक था, क्यों खतरनाक था, बिकॉज इट वॉज इवनिंग एंड द सन वॉज सेटिंग फास्ट, सूरज गुरु हो रहा था फास्ट, है ना, एंड द राइटर वॉज अलोन इन द जंगल, इट वॉज ए नाइट टाइम, है ना, यस, एंड ही वॉज सराउंडेड बाय ऑल वाइल्ड एनिमल्स, और वो पूरी तरह से वाइल्ड एनिमल्स प्रीडेटर्स से घिरा हुआ था। पर्सनल रिस्पॉन्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, राइट हैव यू एवर बीन लॉस्ट यूर वे, क्या आप कभी भटक गए थे, लिखना, यस वंस आई वॉज इन ए पंचगनी विथ माई फैमिली, आई गॉट लॉस्ट, पंचगनी में मैं फैमिली के साथ था, मैं लॉस्ट हो गया, आई डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक अलोन, मैं खुद ही को वॉक के लिए जा रहा था, तो आई सेट आउट विदाउट फाइंडिंग आउट द नेम ऑफ द रोड, बगैर रोड के नाम के मैं निकल गया, ऑन विच आवर होटल वॉज सिचुएटेड, जिस पर हमारी होटल थी, एज आई वॉज वॉकिंग जैसे मैं आगे चल रहा था, इट सडनली बिगेन टू रेन हेविली, बारिश आ गई एंड गॉट क्वाइट डार्क, और अंधेरा छा गया, व्हेन आई लुक्ड अराउंड, जब मैंने चारों तरफ देखा, आई फाउंड दैट आई वॉज इन सॉर्ट ऑफ ए जंगल, कि मैं तो जंगल में आ चुका था, आई वॉज टेरिफाइड, दहशत ज़दा हो गया, देन आई मेट ए विलेजर, मैं फिर एक विलेजर से मिला,
बट ही कुड नॉट हेल्प मी, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। आई डिड नॉट इवन हैव माई सेल फोन विथ मी, मेरा मोबाइल फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। आई वॉज इन टीयर्स, मैं रोने लगा। एंड ऑल दैट वंस आई सॉ माई होटल, जैसे ही मुझे मेरी होटल नज़र आई, आई हैड वॉकड अराउंड इन सर्कल्स, आई वॉज वेरी रिलीव्ड। मैं होटल को देखकर बहुत खुश हुआ, रिलैक्स हुआ। इट वॉज इंडीड ए फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, लेकिन ये बड़ा दुख देने वाला तजुर्बा था। जो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये या जो हमने गाइड में से पढ़ा है, है यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये भी आ सकता है, हैव यू एवर बीन लॉस्ट, यानी आप कभी गुमे थे क्या, नैरेटिव और एक्सपीरियंस। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप कोई भी इस पर लिख सकते हैं। लैंग्वेज स्टडी में क्या है, माय सॉलिटरी से स्टार्ट करना है सेंटेंस को, है ना। राजू वॉज अमेज्ड एट माय सॉलिटरी विजिट टू उमरगढ़। हाँ, पैसिव वॉइस है। माय सॉलिटरी विजिट टू उमरगढ़ अमेज्ड राजू, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखना है। उमरगढ़ इज द हेवन फॉर टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड स्लॉथ बियर्स। तो जाहिर सी बात है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ लगेगा, उमरगढ़ इज द हेवन, है ना, नॉट ओनली फॉर टाइगर्स बट ऑल्सो फॉर लेपर्ड्स एंड स्लॉथ बियर्स। फिर उसके पास सेंटेंस है, आई क्रॉस्ड द सीमेंट पिलर। तो आई क्रॉस नॉट ओनली द सीमेंट पिलर बट ऑल्सो द स्टोन्स, यस, स्टैक्ड बाय द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देन वी बोथ रिज्यूम्ड अवर वॉकिंग टूर। यहाँ वॉकिंग अंडरलाइन है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन क्या है, क्या बता रहा है। वॉकिंग ing लगा हुआ है, वॉकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद वोकैबुलरी में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्पूक के मीनिंग क्या है, फ्राइटन है कि हैप्पी है कि एंग्री है, है ना। स्पूक हो गया था ना राजू, यानी फ्राइटन, यानी घबरा गया था, डर गया था। फाइंड द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टैक। स्टैक का मतलब होता है पाइल्ड वन टॉप ऑफ द अदर, है ना, एक के ऊपर एक, ऐसा पाइल मीन्स एक के ऊपर एक रखे हुए, गंज जिसे हम कहते हैं, ढेर। चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेज टाइम एंड अगेन टू वंस हार्ट कंटेंट इन ए जिफी। इसमें से कौन सा फ्रेज इस सेंटेंस में आएगा, आई वॉज ऑन ए डाइट फॉर सम डेज, कुछ दिनों से मैं खाने में डाइटिंग कर रहा था। टूडे आई एम गोइंग टू ईट, आज मैं खाना खाने जा रहा हूँ। कैसे खाना खाने जा रहा हूँ, टू माई हार्ट्स कंटेंट, है ना, मेरा दिल भरने तक, दिल से खाऊँ। तो बच्चों इस तरह से ये सेकंड पैसेज हमने पढ़ा है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्ड पैसेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़।